नमस्कार, आप देख रहे हो जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। इस बार गुलाबी नगरी के शिव भक्त को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के बाराती बनने का गौरव प्राप्त होगा। शिव विवाह होगा, भोलेनाथ की बारात सजेगी। महादेव के गणों के साथ ही जयपुर के गणमान्य लोग इस बारात में शामिल होंगे। दरअसल शेषनाग जनता दरबार की ओर से महाशिवरात्रि के महापर्व पर दो दिवसीय विशेष आयोजन 7 से 8 मार्च तक रखा जा रहा है। इस दौरान विशेष रूप से शिव विवाह का कार्यक्रम होगा। भोलेनाथ की बारात को बहुत ही भव्य रूप देने के लिए इसमें हाथी घोड़े होंगे, बैलगाड़ी होगी तो नंदी की सवारी भी होगी। मतलब पूरा भव्य लवाजमा होगा और बारात का यह लवाजमा विद्याधर नगर स्थित शेषनाग जनता दरबार से गौतम मैरिज गार्डन मंदिर रोड सेक्टर 7 विद्याधर नगर पहुंचेगा, जहां शिव विवाह की आकर्षक और जीवंत झांकियां भी सजाई जाएगी। बाद में भक्त जनों के लिए भजन संध्या और भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 7 मार्च को 12 बजे से 4 बजे तक भक्तों के द्वारा हवन होगा। भक्तों की मानसिक शारीरिक पीड़ा के साथ ही आर्थिक कष्टों के निस्तारण के लिए आहुतियां दी जाएगी। 8 मार्च को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूजा अर्चना की जाएगी। पंचामृत अभिषेक होगा। 9 से 1 बजे तक आम जनता के लिए जलाभिषेक कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा दोपहर 2 बजे बाद महाराज गुलाब चंद लाखीवाल के आध्यात्मिक श्री वचनों को सुनने का अवसर मिलेगा। इस दौरान परिवार के प्रति नैतिक कर्तव्यों के निर्वहन, मानवीय मूल्यों के साथ आध्यात्मिक चेतना और कर्म बंधन के गूढ़ रहस्यों पर महाराजा द्वारा प्रबंधन देंगे। शाम 5 बजे से हाथी घोड़ों के साथ भगवान शंकर की बारात का भव्य लवाजमा गौतम मैरिज गार्डन पहुंचेगा। यहां शिव विवाह की खूबसूरत झांकियां सजाई जाएगी और इसी के साथ भजन संध्या और भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। शेषनाग जनता दरबार द्वारा 7 मार्च और 8 मार्च को महाशिवरात्रि का आयोजन रखा जा रहा है। इसके तहत 7 मार्च को 12 बजे से 4 बजे हवन होगा, जिसमें भक्तों के द्वारा इस हवन में शामिल होकर के मानसिक शांति के लिए, अपनी पीड़ाओं को दूर करने के लिए, समस्याओं के समाधान करने के लिए महाकाल के हवन का आयोजन किया गया है। उसमें आहुतियाँ दी जाएंगी, जिसमें सभी लोग आप लोग आ सकते हैं। रही बात 8 तारीख को, 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पूजा अर्चना की जाएगी, पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। 9 से लेकर के 1 बजे तक आम जनता के लिए जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। 2 बजे से 4 बजे तक उपदेश का कार्यक्रम रखा गया है, जो संगत और संस्कार के ऊपर परिवारों को जोड़ने के लिए किस तरीके से अपना जीवन चक्र को जीना चाहिए, इसके ऊपर व्याख्यान रखा जाएगा। 5 बजे शेषनाग जनता दरबार से हाथी घोड़ों से बैंड बाजे के साथ में शंकर भगवान की बारात सजेगी और गौतम गार्डन के लिए प्रस्थान करेगी। वहाँ पहुँचने के बाद में भजन संध्या का आयोजन रखा जाएगा। भजन संध्या के अलावा शिव विवाह की झांकी दिखाई जाएगी और वहीं पे भोजन प्रसादी है, यानी कि शिव विवाह परिवार में शामिल होने वाले बरातियों और माता रानी की तरफ से सभी के लिए भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। इसमें किसी प्रकार के कोई टोकन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के कोई कूपन की आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे प्रोग्राम 8 मार्च को और 7 मार्च को जो भी रखे जा रहे हैं, ये सारे निःशुल्क हैं और ये शेषनाग दरबार द्वारा ही अपने ही खर्चे पर रखे गए हैं। इसमें सभी लोग आप शरीक हों और इसका आनंद लीजिए। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।